हेलो स्टूडेंट्स, आपको मतलब फिफ्थ क्लास, टेंथ क्लास, नाइन्थ क्लास और प्लस वन प्लस टू क्लास, ये जो आपको वीडियोस मैं भेजता हूँ रोज़, तो आप उसमें से आपको कुछ भी समझ आता है नहीं आता है, आप मुझे फीडबैक ज़रूर भेजा करें, मुझे पता चले कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, ऐसा इसलिए कि जैसे टाइम ख़राब होता है, नेट भी खर्च होता है, आपका भी खर्च होता है, स्कूल वालों का भी लगता है सामान, सब हम लोग वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि आजकल जो मौसम वो चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, उसकी वजह से हम लोग घर में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो ऑनलाइन जो पढ़ाई है उसका आपको पूरा पूरा फ़ायदा होना चाहिए। इसका मेरे हिसाब से पढ़ाई जो है वो पहले जो क्लास में पढ़ाई होती है उसमें आप क्लास में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बच्चों की होती है, बच्चे एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं, तो उनका ध्यान टीचर की ओर नहीं होता, टीचर जो है तो 40-40 बच्चों को इकट्ठा पढ़ाता है, तो यहाँ पर हमारे सामने बच्चे तो नहीं होते, लेकिन हमारा टारगेट जो होता है वो समझाना होता है कि जो टॉपिक हम जो टॉपिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना चाहते हैं वो हम पूरा आपको क्लियर कर सकें। अगर लेकिन हमारी टेस्टिंग जो होती है आपने करनी है, आपने बताना है कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, पूरा इस बात की पूरा ख्याल रखा करो कि जो कंसेप्ट आपको टीचर ने समझाया है वो आपको समझ आया, आपने कॉपी पे किया, कॉपी पे करने का मतलब ये है कि वो आपको अच्छी तरह से आता है, क्योंकि बेटा ये जो टाइम है, ये टाइम बीत जाएगा, ये बार बाद में दोबारा नहीं आएगा, जैसे मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, 19 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो मार्च महीना 10 दिन वो हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त महीना चला गया, अब सितंबर है, तो आपके टेस्ट तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं, वो उसमें MCQs डाल सकते हैं या थोड़े क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कॉपीज़ को चेक करना, मार्किंग करना वो मुश्किल है, नहीं तो जैसे आपकी कापियाँ मंगाई थी हमने तो वो कॉपीज़ मंगा के हम लोग चेक करते हैं, तो उसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, तो अगर ईमानदारी से आप जो बात आपको समझ में आई है यस समझ आ गई है, जो चीज़ नहीं समझ आई है नो, तो इसमें अगर आप बताएंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस टीचर्स की है, टीचर्स बेटा देश के निर्माता होते हैं, तो अगर टीचर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो बच्चों की परफॉर्मेंस आगे जाके लाइफ में बढ़िया होगी। हम पढ़ते क्यों हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो पूरा शार्प हो जाए, हम और आगे जीवन में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी वो हमारी इसी पढ़ाई पे निर्भर हैं, उसी के हिसाब से हमारा दिमाग हर परिस्थिति में हर हालत में बिल्कुल बढ़िया चलेगा, तो उससे हमारा आगे जाके लाइफ हमारी गोल्डन बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, तो पढ़ाई जो है वो अमूल्य है, इस पे अगर अभी समय रहते आप ध्यान दोगे तो आपको इसका आगे चलकर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसमें जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई आप पूरा हमको बताएं, तो ऐसा मेरी आपको पूरी प्रार्थना है। धन्यवाद।